दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर्स जाती हैं। उन्हीं में से सन 2023 में रिलीज हुई जितनी भी एसआरके की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों, डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू यू के एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है, वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है, 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं तो यह पहुँच पाते या नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर्स जाती हैं।
उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी एसआरके की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू यू के एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिकाओं के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की, अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सी के मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पूर्व से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है, वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और
कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू यू के एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल यू के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सी के मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरुष से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है, वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं तो यह पहुँच पाते या नहीं यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो
और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख के रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, इंडी टू यूके एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल, ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की, अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सी के मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरुष से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है, वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी
देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। बैंकी को 31 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, इंडी टू यूके एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरू पटेल से मिलता है और पुरू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है, वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमार हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमार हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बोमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने।
डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज हुआ था रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में भुवन ईरानी, इंडी टू यूके एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगर 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सी के मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरू पाटिल से मिलता है और पुरू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है, वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बोमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय
फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, इंडी टू यूके एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं, और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने, जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी, और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है, और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की, और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था, और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है, और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है, और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है, वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में, मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है, और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी, और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमार हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमार हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बोमन ईरानी देखने को मिलते हैं, और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं,
और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हृदय हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी। और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में भूमन ईरानी, इंडी टू यूके एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने, जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई, या फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की, और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है, एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लों से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है, वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमार हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमार हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लों ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लों के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी। और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में भूमन ईरानी,
इंडी टू यूके एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक विक्रम कोचर, बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं तो यह पहुँच पाते नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, इंडी टू यूके एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक विक्रम कोचर, बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी देवेन
भोजानी एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह CK मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन UK के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरु पटेल से मिलता है और पुरु से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हरडी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हरडी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से UK की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है UK का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है। यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमार हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमार हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बोमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी की कास्टिंग की तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हरडी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख की रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, IND2 UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर, बल्ली कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009
में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था। को उन्होंने बाद में उनके साथ हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह CK मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन UK के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हरडी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हरडी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से UK की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है UK का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं। बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी की कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हरडी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख के रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, IND2 UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर, बल्ली कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था। को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते या नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल, ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं। बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इसमें को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर्स जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.93 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरू प्रदीप पटेल के बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिकाओं के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सी के मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पूर्व से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता है। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं। बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इसमें को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिकाओं के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगर 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरुष से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इसमें को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का सहलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इसमें को रेटिंग मिली 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का सहलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर्स जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और 3 Idiots 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरुष से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और 3 Idiots 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बोमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू लखनपाल के रूप में, अनिल ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में, ज्योति सुभाष संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने, जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लों से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लों ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लों के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पेडू पाटिल से मिलता है और पूर्व से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लों से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से UK की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है UK का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लों ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लों के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, IndyToUK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू लखनपाल के रूप में, अनिल ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में, ज्योति सुभाष संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरू, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी की कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख के रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, IND2UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर, बल्ली कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख के रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, IND2UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर, बल्ली कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई यूएई में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू यूके एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल यूके बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं। बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर्स जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.93 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरू प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिकाओं के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सी के मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पूर्व से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं। बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इसमें को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं, यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इसमें को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी इस मूवी की। अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का सहलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक निराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इसमें को रेटिंग मिली एंड से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर्स जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और 3 Idiots 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का सहलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली 10/6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और 3 Idiots 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी इस मूवी की और 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली 10/6 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मियो भूमिका में और बोमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और 3 Idiots 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिका में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बहुमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू लखनपाल के रूप में अनिल, ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने, जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लों से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है, लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी, वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन हिरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लों ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लों के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका, और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, इंडी टू UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर बल्ली, कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष संतोष, बुग्गू की दादी देवेन भोजानी, एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल UK बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और तेरी इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था, जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पेडू पाटिल से मिलता है और पूर्व से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लों से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीजा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल कोमियो भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लों ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी के कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लों के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, IndyToUK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू लखनपाल के रूप में, अनिल ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में, ज्योति सुभाष संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी। और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुरेडू पाटिल से मिलता है और पुरेडू से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हार्डी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई UAE में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गाँव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 out of 6.8 की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, कुछ तो अपना बजट भी निकाल नहीं पाती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर जाती हैं। उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई जितनी भी SRK की यानी शाहरुख खान की मूवीज़ थी वो सभी के सभी ब्लॉकबस्टर यानी बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली मूवीज़ थी। तो उन्हीं में से यानी 2023 की शाहरुख खान की लास्ट मूवी डंकी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और एक्सप्लेन भी करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। दोस्तों डंकी मूवी जो कि 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसमें ज़्यादातर एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह एक ड्रामा मूवी है और उसमें कॉमेडी भी देखने को मिलते हैं। यह फिल्म जियो स्टूडियो और रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ राजकुमारी हिरानी फिल्म्स के तहत राजकुमारी हिरानी द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, संपादित और निर्देशित की गई है। इसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल को मुख्य भूमिका में और बहुमन ईरानी देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग सहायक भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, इस मूवी को लिखा था राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो ने। डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और रिलीज होने पर इसने 120 करोड़ के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 458.98 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो 2023 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2023 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बात करें इस मूवी की कास्टिंग की, तो इस मूवी के कास्टिंग में यानी इस मूवी में आपको कलाकारों के रूप में देखने को मिलते हैं हरदयाल, हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में आपको शाहरुख खान, भारतीय सेना के सिख के रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक के रूप में देखने को मिलते हैं, और साथ ही मनु रांधवा के रूप में तापसी पन्नू, हरदयाल की प्रेमिका और सुखी सिंह के रूप में आपको विक्की कौशल देखने को मिलते हैं, जिनके मैंने बताया कोमियो यानी छोटी सी उपस्थिति आपको इस मूवी में देखने को मिलती है उनकी, और जितेंद्र गीतू गुलाटी के रूप में बोमन ईरानी, IND2UK एथलीट्स यानी कोचिंग क्लास के मालिक और अंग्रेजी से प्रशिक्षक, विक्रम कोचर बिलिंदर बग्गू, लखनपाल के रूप में अनिल ग्रोवर, बल्ली कक्कड़ के रूप में ज्योति सुभाष, संतोष बुग्गू की दादी, देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु, प्रदीप पटेल युग के बार काउंसलिंग के रूप में, और मनु के पिता के रूप में मनोज कांत देखने को मिलते हैं और कई सारे लोग भी देखने को मिलते हैं। विकास की बात करें इस मूवी के, नवंबर 2020 के अंत में राजकुमार हिरानी ने जिन्होंने पहले मुन्ना भाई में भी 2003 और थ्री इडियट 2009 में फिल्मों की भूमिका यानी भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया था जिन्हें खान ने अस्वीकार कर दिया था, को उन्होंने बाद में उनके साथ
हाथ मिलाने की सूचना मिली थी और अगला निर्देशन हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई। यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है और अगस्त 2021 तक पाठकथा पूरी की गई थी। इस मूवी की अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया था और सिनेमाटोग्राफी अमित रॉय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सीके मुरलीधरन को ले लिया गया था। स्टोरी की बात करें इस मूवी की, तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है 2020 में कहानी शुरू होती है। एक बुजुर्ग मनु रांधवा लंदन यूके के एक अस्पताल से भाग जाता है और आवर्जन वकील पुएडू पाटिल से मिलता है और पुरूर से उसे पंजाब के लालटू में उसके पूर्व प्रेमी हरदयाल हरडी सिंह ढिल्लो से मिलाता है। हरडी 25 साल बाद अपना काल पाकर बहुत खुश होता है। वह उसे दुबई यूएई में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीज़ा नहीं मिल पा रहा होता है। फिर कहानी पीछे दिखाई जाती है। 1995 में मनु और उसके दोस्त बग्गू और बिल्ली लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। गरीब और अशिक्षित वे तब तक वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ है जब तक कि हार्डी एक पूर्व सैनिक उनके गांव में नहीं आ जाता। मनु के भाई महेंद्र ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मनु और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुँचाने में मदद करने का वादा किया। यह जानकर कि ILTS परीक्षा पास करने से यूके की छात्र वीज़ा प्राप्त होता है यूके का, और वे गीतू गुलाटी द्वारा संचालित एक कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात सुखी सिंह से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है। उसकी शादी एक नराई व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता। बिल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है लेकिन बाकी लोग असफल हो जाते हैं, बाकी लोग तो यह पहुँच पाते हैं नहीं। यही सब मूवी में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों यह मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है, यह अभी नेटफ्लिक्स पे है और इस मूवी को रेटिंग मिली IMDb से 10 आउट ऑफ 6.8 की।